हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ का तो ये कहना है कि फैसला आ चुका है, कुछ का ये कहना है कि बीएड की तरह एनआईओएस को भी बाहर कर दिया गया है प्राइमरी से। ऐसी बहुत सारी जो है मनगढ़ंत कहानियां बना करके बच्चों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जो है इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर में सच्चाई क्या है और क्या क्या चीजें हुई हैं और क्या होना है, ये भी बात बात करेंगे। और साथ साथ जो ये अफवाह फैलाई जा रही है इसमें कितनी सच्चाई है, तो इसको आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। देखिए, एनआईओएस डीएलएड के बाद मैं स्टार्ट करूं, उससे पहले जो है एक बहुत बुरी खबर जो है हमारे पास आई है। कल ही हमें ये बात पता चली है। मैं आपको ये दिखा दूं, ये एक स्टूडेंट है जिनका ज्वाइनिंग एक्चुअली में बीपीएससी के TRA 1 में हो गया था, और ये इंडक्शन पे जो है वो अपना बोल सकते हो ट्रेनिंग में थी। ट्रेनिंग को जा रही शिक्षिका को ट्रक ने कुचला, जैक लगाकर बाहर निकाला गया, तो इनका एक्सीडेंट हो गया। और ट्रक के चपेट में आने की वजह से इनका एक पैर जो है बुरी तरीके से घायल हो गया, और अब ये पटना एम्स में जो है भर्ती है और वहाँ पर पैर काटने के लिए जो है बोला जा रहा है, जिसकी वजह से इनका मतलब बोल सकते हो कि फैमिली उतनी ज़्यादा जो है फाइनेंशियली साउंड नहीं है, तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमने जो है ये वीडियो हम इसलिए भी बोल रहे हैं ताकि किसी भी जरूरतमंद को अगर हम हेल्प कर सकते हैं, खास करके ऐसे सिचुएशन में तो बिल्कुल करना चाहिए। तो ये निशा का अकाउंट है, निशा नाम है, और इसमें अगर आप जितना चाहें उतना हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इनको पैसों की भी ज़रूरत है। और हम इतना ये करें कि ये हेल्प करके ताकि ये फिर से जो है अपने नौकरी को ज्वाइन कर सके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो आप लोगों से जितना हो सकता है उतना निशा को सपोर्ट कीजिए, और हम प्रे भी कीजिए, प्रार्थना भी कीजिए कि जल्दी से जल्दी निशा जो है ठीक हो जाए। चलिए, अब आ जाते हैं हमारे एनआईओएस डीएलएड वाले मामले पर। देखो, हर जगह से जो ये इस तरह की खबरें जब आने लगती है तो इंसान डिस्टर्ब होने लगता है कि ऐसा क्या। बताओ, उस लड़की के घर में कितनी ही जो है खुशी हुई होगी कि हाँ ज्वाइनिंग हो गया, और ऐसा होगा ये सोचा भी नहीं गया था। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के भी इसी तरह से बहुत सारी खबरें फैलाई जा रही है कि एनआईओएस डीएलएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। जस्टिस जो जजेस थे उस दिन, उन्होंने जितने भी क्वेश्चन किए उस पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि वो लोग जो है यही डिसीजन देने वाले हैं। देखो, ये डायरेक्टली कह देना कि यही होगा, ये मतलब बहुत ही गलत है। अगर मैं भी कह दूं कि नहीं भाई, एनआईओएस डीएलएड जो है पीआरटी से बाहर नहीं हुआ है और नहीं होगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि डिसीजन तो अभी आया ही नहीं है, तो हम प्रिडिक्ट करने वाले कौन होते हैं? आप खुद सोचो कि एनआईएस डीएलएड से जुड़े हुए जितने भी बच्चे होंगे वो कितना डिस्टर्ब हो जा रहे होंगे। ये न्यूज जो है आया है, एनआईएस डीएलएड शिक्षक भर्ती से बाहर, डायरेक्टली यही दे दिया गया है। सरकारी बेसिक स्कूलों में 2600 ज्यादा पदों पर भर्ती में एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। मतलब डायरेक्टली जो है इस तरह की न्यूज दे दी जा रही है। देखिए, सरकार ने मंगलवार को बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर के स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी वर्तमान शिक्षक भर्ती में मौका देने की मांग कर रहे थे। शिक्षा सचिव राधिका झा ने बताया कि हाई कोर्ट ने सरकार को जो है प्रवृत्त नियमों के अनुसार नियुक्ति करने को कहा है, जिस वक्त इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी। तो ये चीजें अभी जिससे आ रही हैं, बच्चे हो जा रहे हैं डिस्टर्ब कि अभी क्या रियली में बाहर हो चुका है। तो मैं बता दूं कि अभी सिर्फ और सिर्फ फैसला सुरक्षित रखा गया है, बाहर नहीं किया गया। और जब मामला, कोई भी मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही लागू होगा। सेम चीज आपने जो है बीएड के कंडीशन में देख लिया है। डीएलएड और बीएड का जो एनआईएस डीएलएड है और बीएड का जो मामला है थोड़ा सा अलग है। अलग इसकी वजह से है क्योंकि बीएड वाला मामला जो है मेरिट की वजह से जो है अलग हुआ, उसमें आरटीई एक्ट आया जिसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात हुई और योग्यता के आधार पे उसको बाहर किया गया है। यहाँ पे एनआईएस डीएलएड का मामला जो है कानून का हो गया, कि इस तरह के कानून बनाए गए हैं, तो ये कितना सही है और कितना गलत है, मतलब जस्ट लॉ के ऊपर बात हो रही है ये, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये पास हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है ये चीजें आ रही हैं। इसलिए इसको दोनों को एक में नहीं रख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि अभी फैसला आया क्या है,
फैसले के ऊपर तो बिल्कुल अभी कोई भी बातें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो भी है वो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पर जो शिक्षा सचिव हैं राधिका झा, उन्होंने बोला है कि वो जो भी नियुक्तियां हैं हाई कोर्ट के अनुसार वो प्रवृत्त नियमों के अनुसार होगा। जिस वक्त इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी तब तक एनआईओएस डीएलएड का विषय सरकार के सामने नहीं आया था। एनआईओएस डीएलएड शिक्षक भर्ती के स्थापित नियमों में फिलहाल शामिल नहीं है। तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि अभी जो है एनआईओएस डीएलएड के को शामिल नहीं किया जा रहा। लेकिन ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि नहीं रहेगा तो फिर रखना पड़ेगा। तो इस मामले को अभी समझो कि ये किस चीज को लेकर के ये लोग चल रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ऐसा माना जा रहा है, देखो मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला बीएड वाला बहुत ज्यादा खींच लिया था, रिजर्व वाला। अब इसमें हो सकता है कि ये दिवाली के बाद दे दिया जाए, जिस तरह से जो भी एडवोकेट लगे हुए वो बोल रहे हैं कि दिवाली के बाद से दे दिया जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से ये मामला चला आ रहा है। तो जब भी ये फैसला आएगा उसके बाद ये चीजें उसी के अनुसार काम करेंगी, इनको करना ही होगा। अभी फिलहाल ये अपने पुराने नियमों के अनुसार जो है काम करें, भविष्य में होने वाली भर्तियों में इस पर विचार किया जा सकता है। कुछ समय पहले हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती शुरू करने की अनुमति दी थी, लेकिन शिक्षा निदेशालय डीएलएड को लेकर पशोपेश में था, कंफ्यूजन में था। ये सारी चीजें जो है बताई जा रही है। तो ये बिल्कुल नहीं समझो कि ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया हुआ है, ये उत्तराखंड का अब जो है फैसला है, जिसमें उनके शिक्षा विभाग ने ये डिसीजन जो है लिया है। इससे रिलेटेड और कोई भी अपडेट होगा हम डेफिनेटली जो है आपको इन्फॉर्म करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।